हाय योस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एनिग्मा हिंदी चैनल। मैं हूं एनिग्मा। आप लोगों के लिए मैं करूंगी जनरल रीडिंग अक्टूबर नवंबर के बीच में। देखते हैं आपके लव मैसेज, करियर, हेल्थ गाइडेंस। और क्योंकि जनरल रीडिंग है इसको जनरली लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम या ईमेल भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर चेकआउट करें सारे क्रिस्टल्स, अपडेट्स, फीडबैक, सब कुछ। डेली हॉरोस्कोप्स, मंथली हॉरोस्कोप्स इंस्टाग्राम पे, और डेली हॉरोस्कोप्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को कमेंट ज़रूर करिएगा और मेन चैनल को ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जान सकूँ कौन हो आप लोग, और हम एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिटी बना सके और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सके। अभी मैं आप लोगों के लिए देखूंगी सन मून राइजिंग और वीनस साइन, लियो, क्रॉस वॉचर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं कि उनको आपके लिए फीलिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट वो इनसिक्योरिटी है उनको बहुत ज़्यादा। एक तो उनको मेहनत नहीं करनी, ओके। दूसरा कि उनकी लाइफ में कुछ है ऐसी चीज़ें पास से जिसकी वजह से आपसे खुलते नहीं हैं। यस, इन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है जिसमें ये अपने दिल को खोलना नहीं चाह रहे, अपने आप को खुलना नहीं चाह रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हैं पास्ट में। शायद इनकी मैरिज हो गई थी तो इनको काफ़ी हर्ट हुआ था, उसके बाद बिल्कुल ही ये उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने लव में ट्रस्ट करना ख़त्म कर दिया। तो आई फील लाइक इनकी फीलिंग्स आपके लिए अपने आप को दबा रहे हैं, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को यू नो इग्नोर, फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपसे जानबूझ के बात नहीं करते क्योंकि ये धोखा नहीं खाना चाह रहे हैं। इनको कमिटमेंट से भी बहुत डर लगता है। ये पर्सन इतने स्ट्रांग है ना कि इनको आदत हो गई अकेले रहने की, इनको ज़रूरत नहीं है किसी की, ये भी चीज़ है। और यहाँ पे फैमिली बनाना, यू नो, बच्चे एंड ऑल, ये सब चीज़ें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम लगता है। उनको लगता है कि अभी रेडी नहीं है, लेकिन ये चाहते बहुत दिल से है कि इनकी एक फैमिली बने, मैरिज हो इनकी, बट बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होने की वजह से ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी कुछ अच्छी नहीं है। इनके दिल में आपके लिए एक रिस्पेक्ट जगाने की आपको ज़रूरत रहेगी, ठीक है, जो कब होगा लेट्स सी। जब आप अपने में रहेंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी वैल्यू ऊपर रखेंगे इनसे, तब से ये आपको बहुत ज़्यादा चेस करेंगे, आपकी केयर करेंगे और आपके साथ मैरिज के बारे में सोचेंगे। आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं? फाइव ऑफ कप्स। आपको लगता है ये पर्सन आपको यू नो आपका एडवांटेज ले रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, आपको पसंद नहीं करते, या फिर आपको धोखा देंगे क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइक ऐसे ना कहते हैं कि प्ले अराउंड कर रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनके सामने एक इमेज बनाएं, जिससे कि इनको ये लगे कि अगर वो आपको छोड़ भी देते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि डीप इनसाइड ये पर्सन वो जो चाह रहे हैं, मैरिज, किड्स, वो बाहर नहीं आ पा रहा। वो तब आएगा जब आप इनसे ज़्यादा अपने आप को दिखाओगे। सो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं पर दबी हुई हैं, दिखा नहीं रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनके बारे में कम अपने बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये आपके पीछे पीछे आएंगे। लेट्स सी इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको काफ़ी स्ट्रेस देंगे क्योंकि ये एक के साथ तो नहीं टिकते, इनके पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं। बट इवेंचुअली जब आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे ना, उसके बाद इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने किसको खोया, तब ये आपके पास वापस मुड़ के आएंगे। एंड आई फील लाइक एक न्यू बिगिनिंग के साथ आएंगे। आपकी करियर देखते हैं, करियर में आपकी कैसे ग्रोथ है। कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, आपको बहुत गलत लग रहा है एनवायरनमेंट, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्विच, आपको कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी, आप जॉब छोड़ के कहीं दूसरी जगह जॉब ले लोगे। लेकिन जहाँ पे भी आपको अब मिलेगी जॉब, वहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, खुश रहोगे। देखते हैं हेल्थ।
हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, जितना हो सके पानी के साथ, पानी ज़्यादा पीजिएगा और नेचर के साथ अपने आप को जोड़े रखिएगा, जितना हो सके टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा सोएं, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है और ये कनेक्शन डेफिनेटली आगे जा सकता है, लेकिन इसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इनके ऊपर ऑब्सेस करने के बजाय अपने ऊपर ऑब्सेस करें, ताकि इनको ये लगे कि आप इन्हें छोड़ रहे हो और वो आपको रोकने की कोशिश करें। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको अच्छी लगी। लियो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी। आई विल सी यू बैक अगेन। बाय।